गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रीवियस क्लास के अंदर हमारा संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था वाला जो चैप्टर था उसके अंदर संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था के जो तत्व थे वो कंप्लीट हो गए थे। और जो मेन आपके टॉपिक्स हैं वो वही है कि बोर्ड के अंदर भी यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व कौन से हैं या भारतीय संघीय या भारतीय व्यवस्था के एकात्मक तत्व कौन से हैं। तो वो जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। आज जो आपका लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का वो हम स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आप अपनी बुक्स जो हैं वो अपने पास में रख लीजिए, क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं है, ये पूरी थ्योरी है इसके अंतर्गत, तो ये आप लोग बुक में से समझेंगे। तो बुक आप सभी के पास में होनी चाहिए। देखिए, भारतीय संघवाद की प्रवृत्तियाँ क्या क्या हैं। भारतीय संघवाद संविधान विद के सी वीयर के शब्दों में अर्ध संघीय है। के सी वीयर जो विद्वान रहे हैं उन्होंने इसको अर्ध संघीय कहा है। नेक्स्ट, ग्रैनविले ऑस्टिन जो हैं उन्होंने इसे सहयोगी संघवाद का नाम दिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे कठोर संघीय ढांचा नहीं माना है। ये जो परिभाषाएं दी हुई हैं इनसे ये स्पष्ट होता है कि भारत का जो संविधान है वो पूर्ण रूप से संघात्मक नहीं है। मतलब एक संघीय शासन व्यवस्था वाले देश के अंतर्गत जो प्रावधान होने चाहिए पूरी तरह से वो भारत के अंदर नहीं है। हमारे संविधान के बारे में अगर अपन एक कुछ लाइनों के अंतर्गत इसको स्पष्ट करना चाहें तो हम ये कहेंगे कि भारत का जो संविधान है वो विशेष स्थितियों के अंतर्गत केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां प्रदान करता है। अर्थात इसका जो स्वरूप है वो संघात्मक की तुलना में क्या हो जाता है, एकात्मक अधिक हो जाता है। जैसे अगर हमारे यहाँ पर आपातकालीन स्थितियाँ लागू होती हैं, आपातकाल भारत के अंदर तीन स्थितियों के अंतर्गत लगता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, 352, 356 और 360। 352 के तहत अगर आपातकाल लगेगा तो वो कब लगेगा, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की अवस्था में। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपातकाल लगता है जब राज्य का शासन संविधान के नियमों के अनुसार चलाना संभव नहीं हो रहा हो। और 360 वित्तीय आपातकाल, तो जब भी ये आपातकालीन स्थितियां देश के अंदर लागू होती हैं तो राज्य सूची के विषय पर भी कौन कानून बना सकता है, केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो उस समय हमारे संविधान का जो ढांचा होता है वो संघात्मक की जगह क्या हो जाता है, एकात्मक हो जाता है। ठीक है, तो जो इसका फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें आपको यही बता रहा है कि अगर विशिष्ट परिस्थितियां यहाँ पर हैं तो भारत का संविधान जो है वो एकात्मक स्वरूप धारण कर लेता है। ठीक है, इस एकात्मक आत्मा वाले संघवाद का दूसरा पहलू ये है कि राज्यों को अनेक संस्थाओं के माध्यम से उचित महत्व और भागीदारी दी गई है। अब देखो, इसका मतलब ये है, आप केवल ये नहीं कह सकते हो कि भारत का संविधान जो है वो केवल केंद्र को ही शक्तियाँ देता है या फिर राज्य जो है उनकी यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। ऐसा नहीं है, भारत के संविधान के द्वारा राज्य जो है उनको भी अनेक संस्थाओं के माध्यम से अधिकार और शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जैसे कि राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद जिसका उल्लेख अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया है, क्षेत्रीय परिषदें, नीति आयोग इत्यादि महत्वपूर्ण संस्थाएं जो हैं वो राज्य की भागीदारी को सुनिश्चित करती हैं। देखिए, नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद जो है उसका प्रमुख कार्य जो है वो है पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना, विकास कार्य के लिए योजनाएं बनाना। तो राज्य जो है उनके लिए योजनाएं बनाने का जो कार्य है वो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य हमारे यहाँ पर ये है कि ऐसा नहीं है कि राज्य जो है उनको कोई उनकी कोई भूमिका ही नहीं है, उनका कोई रोल ही नहीं है। उनका भी अच्छा खासा रोल है, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से वो अपनी भागीदारी जो है वो निभा सकती हैं। नेक्स्ट जो इसका पैराग्राफ आता है वो आता है कि गत 6 दशकों के व्यवहारिक अनुभव से ये बात दृष्टिगोचर होती है कि प्रारंभिक वर्षों में केंद्र और राज्य में लगभग एक दल की सरकार थी।
देखो आपको पता है कि प्रारंभ के अंदर केवल केंद्र सरकार केंद्र और राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी का ही वर्चस्व हुआ करता था। मतलब उस समय पर क्या था, एक ही दल की सरकार थी और वो कौन सा दल था, कांग्रेस था। तो जब एक ही दल केंद्र में भी होगा और राज्य में भी उसी दल की सरकार होगी तो ऐसी स्थिति में विवाद जो है वो कम होंगे। क्यों? क्योंकि एक ही पार्टी की सत्ता है। लेकिन अगर केंद्र और राज्य के अंदर अलग अलग दलों की सरकारें होंगी तो उनमें क्या होंगे, विवाद अलग होंगे। तो भारत के अंदर अगर अपन शुरुआती दौर के अंदर देखें, जब केंद्र के अंदर और राज्य के अंदर कांग्रेस का वर्चस्व हुआ करता था तो उस समय पर क्या होते थे, विवाद जो है वो कम होते थे, ठीक है। लेकिन 1967 के बाद में राज्य और केंद्र के मध्य में विवाद जो है वो बढ़ते चले गए हैं। धारा 356 के उपयोग को लेकर के 1955 के अंदर ही केंद्र और राज्य के मध्य में झगड़ा हो गया था। तो वही चीज़ है, कहने का मतलब देखो 67 के बाद में भारत के अंदर गठबंधन सरकारों का दौर प्रारंभ हो गया था। और आपको पता है गठबंधन सरकार के अंतर्गत क्या होता है, दो या दो से अधिक पार्टियां मिल करके और सरकार बनाती हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, केंद्र सरकार जो होती है उसकी स्थिति कमज़ोर होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो जो सरकार है वो अन्य दलों के समर्थन से बनी है। और अगर गठबंधन सरकारों में जिन्होंने भी आपको समर्थन दिया है बड़ी पार्टी को, अगर वो पार्टियां अपना समर्थन वापस ले लेंगी तो सरकार अल्पमत में आएगी और सरकार अल्पमत में आते ही क्या है, गिर जाएगी। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो गठबंधन सरकारों का जो दौर है उसके अंदर केंद्र और राज्य के अंदर विवाद भी बढ़े और एक अस्थिरता की प्रवृत्ति जो थी वो बनी रही। तो दो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको बता रहा है केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है, दूसरे में आपको बता रहे हैं राज्यों की भूमिका भी इम्पॉर्टेंट है। अगर अपन गठबंधन सरकार या एक दलीय प्रभुत्व की सरकार के बारे में देखें तो एक दल का अगर प्रभुत्व होता है तो विवाद कम होते हैं, और अगर सरकार जो है वो अलग गठबंधन है तो उसके अंदर केंद्र सरकार की स्थिति कमज़ोर होती है। अब अगर अपन वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान के अंदर सरकार के द्वारा बहुत से ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे कि समानता कायम करने की कोशिश की गई है। जैसे जीएसटी से पूरे देश में एकीकृत कर व्यवस्था जो है उसको लागू कर दिया गया है। आज क्या है, सरकार के द्वारा राज्यों को भी जो उनको संसाधन चाहिए वो प्रचुर मात्रा के अंदर उपलब्ध कराए जाते हैं। आज केंद्र जो है वो किसी प्रकार का कोई दबाव जो है वो राज्यों पर नहीं डालता है। स्वायत्तता की मांग जो है वो वैसे तो जोर पकड़ने लगी थी पहले, लेकिन उसको केंद्र सरकार के द्वारा एक अच्छी प्रकार से सुलझा लिया गया, ठीक है। इसके अलावा केंद्र और राज्यों के संबंधों का अध्ययन करने के लिए 1983 के अंदर सरकारी आयोग का गठन किया गया था, और उन्होंने भी इसी बात पर बल दिया कि वर्तमान के अंदर केंद्र और राज्य जो हैं वो अपने विवादों को छोड़ें, है ना। और आज अगर अपन देखते हैं तो केंद्र और राज्य के मध्य में विवाद की स्थिति भी जो है वो बहुत कम हो गई है। केवल आप जल विवाद को देखिए, जल विवाद के अलावा आज केंद्र और राज्य के मध्य में विवाद का कोई अन्य कारण नहीं बचा है ना। तो आज की जो स्थिति है वो एक मजबूत केंद्र और राज्य की हो गई है। सरकारी आयोग ने भी इसी बात पर ही जो बल दिया था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को सहयोग और समन्वयात्मक रूप से कार्य करना चाहिए, वही चीज़ जो है वो आज लागू हो चुकी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका जो टॉपिक है वो भी समाप्त होता है, साथ ही साथ आपका जो थर्ड चैप्टर है वो भी समाप्त हो गया है। थैंक यू।